हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 12.2 का अंतिम भाग है। अभी तक मैंने कुल मिला के 11th नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा दिया है 12.2 में, और 12.1 भी मैंने बताया एनसीईआरटी का। आज हम सब सारा क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन तक आपका इस चैप्टर में है, तो अभी 12, 13, 14 को खत्म करते हैं। उसके बाद अगले दिन जो यानी कल से 12.3 की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुत आसान सवाल है। क्या बोलता है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस में 80 डिग्री का कोण, 80 डिग्री का कोण दिया हुआ है एक त्रिज्यखंड। तो दिया क्या है, दिया है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का कोण 80 डिग्री, यानी कह सकते हैं थीटा बराबर 80 डिग्री। उसके बाद बोलता है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है, ठीक है। अब एक मैं कुछ समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, ये मान लेते हैं कि समुद्र है, क्या है, समुद्र है, ठीक है, जिसका कोण 80 डिग्री है, तो कोण से तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए केंद्र के ऊपर एक टावर है, समझते हैं सवाल को, केंद्र के ऊपर एक टावर है, ठीक है। अब केंद्र के टावर पे एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, जो कि पानी पे फोकस है। आप इमेजिन कर लेंगे, मतलब आप सोच लेंगे कि जैसे कि केंद्र पे एक पोल है, समुद्र के बीच में पोल रहता है जिससे कि वो जहाज को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, जितने भी सामान ढोने वाले जहाज हैं, कार्गो जहाज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसपे एक पोल पे लाइट लगा हुआ है, ये मान लेते हैं पोल है, इस पे लाइट लगा हुआ है, वो ऐसे करके घूमते जाता है लाइट पे। तो वो लाइट का मतलब क्या हुआ, वो चेतावनी दे रहा है उसी लाइट के एरिया में, ठीक है, जहाज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो मान लेते हैं कि वो जहाज का जो लाइट का प्रकाश है वो इस एरिया तक फैलता है, ठीक है, इस एरिया तक फैल रहा है, ठीक है, यहां से लाइट का प्रकाश पड़ा और इस एरिया तक फैल रहा है। तो ये जो एरिया है, ये वाला लाइन, वो कितना है, 16.5 किलोमीटर, यानी यही हो गया आपका त्रिज्या। तो त्रिज्यखंड का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना हो गया, 16.5, ठीक है, क्योंकि 16.5 किलोमीटर तक ये आपका जो है लाइट दिखा रहा है, ठीक है, जहाज को बता रहा है। तो ये हो गया। तो आप इसका आराम से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पता होगा आप सबको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का वैल्यू 80 यहाँ दिया हुआ है, बटे 360 गुना पाई का वैल्यू देख ले, यहाँ पे कितना बोला है 3.14, आर का वैल्यू कितना बोला है, तो 16.5, इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 80/360 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5। अब इसे कटाते हैं, जो भी कटेगा। तो सबसे पहले तो ये 0 और 0 कट गया, ठीक है। चलिए इसे कटाते हैं 4 से, तो 4 से 8 2 बार में कट गया, और 4×9=36 9 बार में कट गया। क्या ये कटेगा, तो 6×5=11 1/12, देखें कट जाएगा, 6×5=11 1/12, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से 165 में भाग करें, तो 3×5 हो गया 15 और 3×5=15, यानी ये 3 से कटाएंगे तो 55 होगा, एक अंक के पहले दशमलव दे दें, और इसे 3 से कटाएंगे तो 3×3=9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे कटा सकते हैं, अभी तुरंत 3 से कटाएं, तो 3 से इसे कटाएंगे तो वही 5.5 होगा, ठीक है। ऊपर बच गया 2×3.14×5.5×5.5। अब इसे कैलकुलेटर की सहायता से हम सब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप सब अपना हाथ से करेंगे, दिमाग से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास 10th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्यों किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है, किलोमीटर। तो इतना ही जहाज को चेतावनी दिया जा सकता है, ठीक है, यही निकालने बोल रहा था, जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकती है। तो समुद्र में, अब यहाँ पे लास्ट में लिख दें, समुद्र में जहाजों को चेतावनी दी जाने वाला क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका
आंसर, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। मतलब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो जिसपे लाइट पड़ रहा है, ये कितना हो गया 189.97, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब मिलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, इसे पहले आप नोट डाउन कर लें। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे और इसमें कुछ कुछ अलग चीज भी आएगा तो उसे समझेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, देख सकते हैं आकृति ये। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो बताइए कि 0.35 रुपी प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में कितना रुपया लगा होगा। देखिए इसमें टोटल कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है, ठीक है। तो एक पहले तो केंद्र से एक त्रिज्यखंड खींच लेते हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगा ओ ए बी और इसे मान लेते हैं पी, ठीक है, इसे मान लिए पी। एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो सारे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक इसका निकाल लेंगे तो फिर अगर फिर से तो लाइन खींच खींच के 6 बार ऐसे करके तो हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो एक ही बार हम सबको बनाना है और गुना लास्ट में 6 कर देंगे तो बन जाएगा। कितना डिजाइन बोल रहा है, 6 समान डिजाइन वाले बने हुए, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए अब इसे बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एंगल एओबी बराबर 1/6 गुना 360, इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए हम सबको कितना ज्ञात करना है, एक 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 कोण का निकालना है मात्र एक एरिया का, और मैंने आपको बार बार समझाया है कि टोटल जो है वृत्त वो कितना होता है 360, ठीक है, ये केंद्र है, हमको एक ही निकालना है, ठीक है, ओ ए बी हमको एक कोण चाहिए, ठीक है। तो एक कोण कैसे निकालेंगे, तो कितना डिजाइन बोला था 6, तो गुना करेंगे 1/6 × 360, तो एक कोण का वैल्यू कितना निकल गया 60। उसी तरह से अगर इसे बढ़ाएंगे तो दूसरे कोण का वैल्यू कितना निकल जाएगा, फिर से 60, फिर बढ़ाएंगे यहाँ मिलाएंगे तो तीसरे कोण का कितना निकल जाएगा 60, फिर यहाँ बढ़ाएंगे तो चौथे कोण का कितना निकल जाएगा 60, फिर यहाँ बढ़ाएंगे तो पांचवे कोण का कितना निकल जाएगा 60 और लास्ट कोण 60। देखिए अब 60 60 60 60 और 60 मिलाएंगे 60 × 6 करेंगे तो 360 हो गया, लेकिन हम सबको सिर्फ एक एक त्रिज्यखंड चाहिए, तो एक त्रिज्यखंड के लिए हम सबका कोण कितना बनेगा 60। अब यहाँ पे एक दो बात मैं आपको समझाऊंगा, उसे ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है। एंगल एओबी, ये ओ है, एओबी बराबर एंगल बीओए, बात बराबर ही है, बराबर 60 डिग्री, अतः यह एओबी समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका जिसका सारा भुजा बराबर हो, सारा भुजा यानी आर्म बराबर हो, तथा प्लस जिसका कोण बराबर हो, जिसका कोण बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज का कोण होता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, ठीक है। बाकी त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है, तो केंद्र से जाने वाली, केंद्र का आधा जो वृत्त को छू दे, केंद्र से आधा रेखा जो वृत्त को छू दे उसको त्रिज्या बोलते हैं, तो त्रिज्या हो गया 28, यानी एक भुजा अगर 28 होगा तो दूसरा भुजा भी 28 और तीसरा भुजा भी 28, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समझ में आ रहा होगा। समबाहु त्रिभुज इसे मैंने क्यों माना, क्योंकि एंगल एओबी बराबर 1/6 × 360, आप समझ गए, जैसा कि मैंने करके बताया तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब जो है एंगल एओबी बराबर एंगल बीओए बराबर कितना डिग्री हो गया 60, इधर से भी करेंगे तो बीच में ओ आएगा, इधर से भी करेंगे तो ओ आएगा, ओ का वैल्यू 60 है, तो जब 60 डिग्री आता है किसी त्रिभुज का कोण तो वो होता है समबाहु त्रिभुज, 60 डिग्री आएगा तो समबाहु त्रिभुज, बाकी कोई भी आएगा कोण तो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। देखिए त्रिभुज अगर बनाएंगे हम सब, मान लेते हैं कि ये आ गया 80 डिग्री, तो क्या कभी ये 60 और 60 आ पाएगा, या ये 80 80 आ पाएगा, अगर 80 80 ही लिख देंगे तो 8 × 3 = 24, 240 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 240 तो होता नहीं है, होता कितना
80 डिग्री, तो 180 डिग्री के अनुसार चलेंगे आप, तो इसलिए 180 डिग्री को अगर तीन भाग में डिवाइड करेंगे तो 60 60 और 60 आएगा, और जब भी कोण 60 डिग्री होगा तो वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इतना सफिशियंट है, बाकी मैं त्रिभुज की क्लास में आपको बताऊंगा ही। ठीक है, त्रिभुज जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब समबाहु त्रिभुज का हम सब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बहुत बच्चे को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता होगा, जबकि ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले साल यानी 2022 में क्या 2021 में सूत्र के रूप में पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, चार ऑप्शन दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव में और पूछा गया था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 × भुजा स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, √3। अब ये भुजा क्या होगा, तो देखिए इसका ये भुजा हुआ और वृत्त का त्रिज्या हुआ, दोनों कर सकते हैं, तो अगर भुजा पूछेगा तो यहाँ पे भुजा लिख दें, चलिए वहीं पे डायरेक्ट बैठा देते हैं या यहाँ लिख दें, भुजा अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी पूछेगा तो वही होगा 28 सेंटीमीटर, बात तो बराबर ही है। √3 का वैल्यू दे दिया है 1.7, देखिए ऊपर पे दिया हुआ है 1.7, यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.7, √3 का वैल्यू 1.7 आ गया, भुजा कितना है 28, 28 पे स्क्वायर दे दें 1.7/4 × 28 × 28। ठीक है, 4×7 = 28, आपको गुना करना है 1.7 × 7 × 28। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1.7 × 7 × 28 कितना हो गया, ये हो गया आपका कैलकुलेशन के बाद 333.2, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया इतना इस एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, जहां पे मैंने कलर किया है, चलिए पहले इसे आप नोट डाउन करें, जल्दी से इसे नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब छह समान डिजाइन वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका वैल्यू याद रखिएगा 300, इसमें मैं लिख देता हूं 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब छह समान डिजाइन वाला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो आपको क्या निकालना है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यानी ए पी बी लघुखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन आपको साथ में छह समान डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो छह समान डिजाइन मेजपोस का क्षेत्रफल, यही लिखेंगे मेजपोस का क्षेत्रफल, तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों में छह से गुना कर देना है, तो लिख देंगे 6 × त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 6 × समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 × πr² आपको पता होगा। ठीक है, θ/360 × πr² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाल चुके हम सब, कितना है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपको पता ही होगा, थीटा का वैल्यू 60 यहां निकाले थे 60 डिग्री, तभी तो संभव आया था, तो 60/360। पाई का वैल्यू कितना लेना है, पाई का वैल्यू के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो 22/7। आर कितना दिया हुआ था 28, यानी 28 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार। चलिए कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 × 333.2 हो गया आपका 1992। ठीक है, चलिए इधर कैलकुलेट कर ले, 6 से ये कट जाएगा, 60 से 360 6 बार में, और अभी फिलहाल इसे रहने देते हैं, तो 1/6 × 22/7 × 28 2 बार लिखेंगे। ठीक है, माइनस 1992, 7×4 = 28 हो गया, 2×3 = 6, 2×2 =
चार और कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए छह गुना ऊपर हो गया आपका, गुना करेंगे तो 22, 22 गुना 2 गुना 2 8 कितना हो गया 1232, 1232 बटे 3 माइनस 199.2। चलिए इसे कैलकुलेट कर लें तो 6 गुना 1232 बटे 3 माइनस 199.2, 3 दूनी 6 हो गया, यानी इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कितना 1232 गुना 2 कर दें तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2400। चलिए मैं इधर लिख रहा हूँ 2464 माइनस 1999.2, अब इसे घटा दें 1.9992 आपका हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, गलती तो कुछ नहीं हुआ है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 × 6 × 4 ठीक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक डिजाइन का कॉस्ट कितना है, तो लिखेंगे चूंकि एक डिजाइन का लागत कितना निकाल लिए हम सब 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए कितना रुपया लग रहा है, एक डिजाइन की लागत 0.35 रुपया, इसलिए कितना 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, कुछ नहीं करना है आपको, गुना कर देना है तो 464.8 गुना 0.35, ठीक है, इसे आप पहले नोट डाउन करेंगे उसके बाद इधर करेंगे। चलिए मैं गुना कर देता हूं डायरेक्ट, 464.8 × 0.35 तो ये आपका हो जाएगा 162.68 रुपया, यही हो गया आपका आंसर 162.68 रुपया, ठीक है। चलिए ये था आपका 13 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे नोट डाउन कर लें, एक बार मैं आंसर मिला लेता हूं इसका, आप सब वेट करेंगे। एक सौ 162.68, चलिए ठीक है, आंसर मिला लिया, कंफ्यूजन दूर हो गए, ठीक है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था, अब 14 नंबर क्वेश्चन है, उसे भी आप थोड़ा सा देख लें, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसे नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। चलिए मैं इसे अब रख करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब 14 नंबर जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद हम सब ये वाला चैप्टर समाप्त करेंगे, तो मैं उतार नहीं रहा हूं 14 क्वेश्चन, बस मैं समझा रहा हूं। बोलता है त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बोल रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के, इसमें चार ऑप्शन वाला है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये, तो आप आसानी से निकाल ही लेंगे अगर फॉर्मूला पता रहा तो, अब वरना नहीं पता रहा तब तो नहीं बनने वाला है। जिसका कोण P डिग्री है, ठीक है। बोलता है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया हुआ है P डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू P डिग्री और त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा R, ठीक है। बाकी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता ही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा का वैल्यू पी हो गया, पी बटे 360 पाई आर का वैल्यू आर हो गया कैपिटल आर, आर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, पी बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पी बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर होगा आंसर इसका, तो यही हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आपका यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है पी बटे 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा आंसर, बस दो से इसे कटा देंगे तो 360 हो गया,
बाकी देखिए वही पूर गया 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए ये था आपका 12.2 अंतिम भाग, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 12.3 के साथ। बाय बाय।